वही हिस्सा मैंने डार्क किया है यहाँ पर, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है तो वाटर, अब ये सूप के बराबर हो जाएगा ठीक है। ये थोड़ा सा डार्क है, मैंने ऑरेंज वाटर लिया है थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा ठीक है। अभी जब ये सूख जाएगा तो इसी कलर जैसा हो जाएगा, ये मत सोचना कि मैम ने ऑरेंज कलर की बिंदियाँ लगा दी हैं, अभी ये सूख के बराबर हो जाएगा। अब हम लेग्स पे आ जाते हैं, सेम ट्रिक जो अभी तक यहाँ कर रहे थे वही करेंगे, वही चीज़। ऑरेंज ब्राउन का वाटर, ऑरेंज का वाटर ब्राउन में मिक्स करेंगे हल्का सा वाटर वाटर वाटर। अब हम शेडिंग करेंगे ठीक है, क्या करेंगे यहाँ से आ जाएंगे शेड करना शुरू करेंगे ठीक है। हम लेग्स में पे कलर कर रहे थे, अब ये जो शेड है जो घुटने के यहाँ से हम आए थे, सेम इफ़ेक्ट ठीक है। यहाँ पे हम घुटने के पास ऐसा दे देंगे, फिर वाटर ब्राउन एंड ऑरेंज कलर का वाटर, देन हम यहाँ से ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, बस हाथ ध्यान से चलाना है, बाहर नहीं निकालना है कलर। अब हम यही सेम चीज़ अंदर वाली साइड कर लेंगे यहाँ पर ठीक है। इधर से डार्क आएगा, इधर से वो बीच में छोड़ देंगे, यहाँ से हम ये डार्क लेते हुए आएंगे, यहाँ पे शेड थोड़ी ज़्यादा आती है इतने हिस्से में, ये हम थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा सा ब्राउन का वाटर एंड ठीक है इतना हो गया। ऐसे ही हम दूसरी लेग भी कर लेंगे, ऑरेंज कलर का वाटर, ब्राउन कलर का वाटर, ये वाला हिस्सा डार्क होगा थोड़ा सा यहाँ पर ठीक है, थोड़ा सा बस डार्क डार्क, क्योंकि इधर शेड ज़्यादा आती है, ऐसा नहीं है कि हमारी मॉडल काली है, बस शेड ज़्यादा है इधर ठीक है। और बस इधर से अब हम फिर से वही अपना वाटर इफेक्ट देते हुए, ये मैंने ट्रिक ये वाला जो कलर यूज़ किया है ऑरेंज कलर को वाटर मिला के, ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास स्किन कलर नहीं है, मतलब हम लोग सभी लोग ऐसे कर सकते हैं। मेरे पास भी स्किन कलर वाटर कलर में तो है नहीं, तभी मैंने ऐसे किया है, पेंसिल कलर में है, लेकिन इतनी बड़ी फिगर में पेंसिल कलर करने में बहुत देर लग जाएगी और सफाई नहीं आएगी। तो ये ऐसे हो गया हमारा यहाँ तक ठीक। फिर हम ऑरेंज का वाटर, येलो का, ब्राउन का वाटर मिक्स करेंगे, वाटर 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 एंड यहाँ साइड से आ जाएंगे ऐसे, जो वाटर कलर वाला काम है वो लगभग ख़त्म। अब ये जो दिख रहा है इसको जस्ट वाटर, मैंने सिर्फ अपना ब्रश धो लिया है, पानी लिया है, उसको मर्ज कर दिया हल्का सा, गीले गीले में ही मर्ज कर लो, सूख जाता है तो मर्ज नहीं होता, यहाँ भी मैंने गीले गीले में मर्ज कर दिया ठीक है। ये बीच बीच में हमारी ऐसे शेड रहेगी। ये जो मेरी फिगर है ठीक है, इसके बॉडी में स्किन कलर इस तरीके से हो गया है, भूल गई मैं, हमारी जीजी का घुटना रह गया, मतलब एकदम गोल टोपी सी नहीं बनानी, मेरे से बन गई, बस शेड देनी है ऊपर की तरफ हल्की सी और नीचे की तरफ, बस अभी सूख के ठीक हो जाएगा ये ठीक है। देखो ये था ना उस समय कितना डार्क लग रहा था, अब एकदम नॉर्मल हो गया ना, ये भी सूख के नॉर्मल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से है। अब हम इसके बालों में कलर करेंगे ठीक है। बालों के लिए ना मैं ब्राउन कलर ले रही हूँ, वही इफेक्ट जो सबसे पहली लेयर में हम करते हैं, जैसे ब्रश को मैंने गीला कर लिया, मैंने कलर नहीं लगाया, धो लिया मैंने, ब्रश को गीला किया, पोछ लिया, और इसके बालों में मैंने यहाँ और ये पीछे के बालों में ठीक है मैंने ऐसे कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं ओनली ब्राउन कलर ले रही हूँ, ब्राउन थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ। देखो मैंने ऐसे पूरे में नहीं किया, मैंने ये साइड में ऐसे करके ले लिया ठीक है, ब्राउन कलर थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया। मैं इसके हेयर में ब्राउन कलर कर रही हूँ अभी, बेस कलर ठीक है, शेडिंग बाद में देंगे। तो ये बेस कलर हम कर रहे हैं, बहुत धीरे से ध्यान से करना है, हाँ इसके इधर उधर ना चला जाए। हम थोड़ा सा और ले रहे हैं ब्राउन कलर, डार्क लिया मैंने, थोड़ा सा थिक कलर यूज़ किया, यहाँ पर वाटर कम मिक्स करना है ठीक है। पहले हमने क्या किया था, स्किन कलर जब कर रहे थे तब हम वाटर मिक्स कर करके कर रहे थे, हाँ अभी हमने बेस पे वाटर लगा दिया है लेकिन कलर डायरेक्ट ले ले रहे हैं ऐसे करके, और इधर भी पीछे के बालों में भी इस तरीके से ये कर लिया ठीक है। अब हम फिर से अपना ब्रश धो लेंगे, ब्रश धो लिया, वाटर वाटर ठीक है, एंड इसके ये जो इधर से बाल आ रहे हैं बालों में भी हम पहले पानी लगा लेंगे ठीक है। पानी लगाने के बाद फिर से ब्रश को गीला करेंगे, पोछ लेंगे ब्रश को, एंड ये जो ब्राउन कलर है यहाँ पर से ऐसे करके ब्राउन कलर ले लेंगे ठीक, और डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, ध्यान से करना है, चेहरे में नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, इधर उधर फैलना नहीं चाहिए, गो स्लो। फिर से कलर लेंगे और आ रही हूँ, आज पापा जल्दी उठ गए हैं, सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग इसको बना रही हूँ, पापा भी उठ गए मेरे साथ, आवाज़ें लगा रहे हैं सबसे।
ठीक है, ये हमने हेयर जो है अपने ब्राउन कलर का दे दिया, अभी लेट इट ड्राई, ठीक है, लेट इट ड्राई, जब ये सूख जाएगा फिर हम इसमें शेडिंग करेंगे। चीज़ मुझे बिकनी में करनी है, बिकनी में मैं ले रही हूँ रेड कलर, मेरा रेड कलर थोड़ा ब्राउन सा दिखता है तो मैं अपने रेड कलर को ऑरेंज में मिक्स करके करूँगी। इफ़ यू हैव रेड कलर तो तुम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ये मैंने हल्का सा ले लिया है। ठीक, अब मैं सेम चीज़ करूँगी, पहले मैंने ब्रश को धो लिया, ठीक, धो के मैंने इसकी बिकनी में कलर कर लिया, मतलब कलर नहीं कर लिया, पानी फेर लिया, ठीक है, ऐसे ही इसकी ये स्ट्रैप्स में भी कर ले रहे हैं। ठीक, ये मैंने कर लिया, अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरा रेड कलर सही नहीं है तो ब्राउनिश पिंकिश सा है, तो मैं रेड में ऑरेंज मिक्स कर रही हूँ अपने में रेड कलर देने के लिए, जो भी कलर आप चाहो कर लेना, ठीक है। अब ये मैंने रेड कलर ले लिया, वाटर मिक्स करके इसको कर लिया, थोड़ा थिक थिक कलर बनाया, उतना पतला नहीं किया जैसे स्किन में किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बिकनी में पहले कलर कर लेंगे, इसमें जो भी शेडिंग है वो हम पेंसिल कलर से डायरेक्ट करेंगे, अभी हम सिर्फ इसमें कलर करेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर भी ठीक है सेम चीज़ इसके अंडरवेयर में करेंगे, पहले ब्रश को धो के पानी पानी सा फिरा लेंगे इसमें पूरे में, एंड कोशिश करना कलर फैले ना बिल्कुल भी, मेरा हल्का सा निकल गया यहाँ। मैं इसको कैसे ठीक करूँगी, मैंने ब्रश को धो लिया, हाथ से पोछा और मैं यहाँ पे इसको ऐसे हल्का सा बस इधर मर्ज कर दिया, ठीक है, चला गया वो जो बाहर निकला था, इतना मेरा कलर हो गया है। अब हमें इसमें इसमें और इसमें इफ़ेक्ट देना है, ठीक। और ये जो हमारी मॉडल है इसके बालों में भी, मतलब हेयर बैंड में भी हम रेडिश ऑरेंज सा कर ले रहे हैं, ठीक। अब मुझे क्या करना है, अब हेयर में मुझे इफ़ेक्ट देना है, शेड देना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, हल्का सा बस हल्का सा ब्लैक, हाँ ज़्यादा नहीं, देखो निकल गया ज़्यादा, हल्का सा ब्लैक कलर मैंने ले लिया, ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करूँगी और हेयर में शेड दूँगी, ठीक है। कैसे, जैसे यही हम वन नंबर का ब्रश लेंगे, मैंने ये लिया ब्राउन ब्लैक कलर, ठीक है, ये लिया ब्राउन कलर, थोड़ा सा उठा के यहाँ पर साइड में मिक्स कर लिया मैंने ब्राउन एंड ब्लैक, एकदम से पूरा वो नहीं ले रहा, ये हल्का सा डार्क ब्राउन सा हो गया, ठीक है, ब्राउन एंड ब्लैक मिक्स किया, डार्क ब्राउन हो गया, दिख रहा है ना कैसा सा कलर हो गया, वो ब्राउन और ये ब्राउन में कितना डिफरेंस है, ये डार्क ब्राउन हो गया। अब हम इस कलर से वाटरी इफेक्ट थोड़ा सा, देखिए साइड में पानी है, पानी थोड़ा सा ले लिया, इसके अंदर मैंने मिक्स कर लिया, ठीक है। अब इसको पोंछ के थोड़ा पतला कर लेंगे, ये थिन पतला, अब कैसे यूज़ करना है हमें, एक मिनट और पास आ जाओ, देखो कैसे यूज़ करना, हमको हेयर ना नीचे से ऊपर लेने हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे ऐसे 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 लाइन्स नहीं बनानी। देखो मैंने ब्राउन और ब्लैक कलर का जो मिक्सचर था ले लिया, अब हमें अपने हेयर नीचे से ऊपर ऐसे पतले पतले यहाँ पर थोड़ा सा डार्क आ जाएंगे, ठीक है, फिर से ले लेंगे, फिर नीचे से ऊपर और इधर डार्क कर देंगे, ठीक है। अभी इसको करेंगे और इफेक्ट देंगे पेंसिल कलर से, ठीक, बस इतना हम वाटर कलर वाला काम कर ले रहे हैं। अगेन अब ये कैसे हैं, ये भी ऐसे जाएंगे नीचे से ऊपर और इधर से ऐसे नीचे आ जाएगा, बस ये ऐसे आ गया, ठीक। अब हम यहाँ बालों में, यहाँ भी ऐसे ही आएंगे, पहले आउटलाइन के बगल बगल में एक लाइन ऐसे आ जाएंगे और इधर से भी ऐसे आ जाएंगे, फिर थोड़ा सा डार्कर ले लेंगे ब्लैक एंड ब्राउन का, ठीक है, इतना हमने कर लिया, अब ये और नहीं करेंगे, लेट इट ड्राई, सूखने देंगे इसे। अब हमें इसकी ब्रा और अंडरवेयर में शेडिंग देनी है, अब हमें डार्कर टोन बनानी है शेड देने के लिए उसकी बिकनी में, तो ये रेड कलर मैंने इधर साइड में लिया और इसमें मैंने हल्का सा ब्राउन मिला लिया, ठीक है, डार्क टोन करने के लिए ब्राउन मिला लिया रेड में, ठीक। अब हमें इसमें शेड देना है, ये मैंने ले लिया, अब हमको क्या शेड देना, देखो ध्यान से, ये देखो साइड में यहाँ डार्क होता है,
यहाँ डार्क होता है नीचे, इधर डार्क होगा और इधर डार्क हो जाएगा ये साइड साइड में, ठीक है। ये हमने इतना इधर कर लिया और थोड़ा सा हम यहाँ पे लाके मर्ज हो जाएगा, ये ऐसे करके इधर आके मर्ज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी वाला ब्रश लेके यहाँ साइड साइड में हल्का हल्का सा बस इसको मिक्सअप कर लेंगे, मतलब ऐसे ना लगे अलग से आउटलाइन कर रखी है ना, बस ऐसे करके हमने ये हमारी बिकनी में हो गया कलर। ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे हो गया था मेरा, ठीक है। ये शेड हो गया, अब सेम शेड हमको इधर देना है, यहाँ पर, यहाँ साइड में, यहाँ आएगा ऐसे, यहाँ आएगा ऐसे, यहाँ साइड में हल्का सा, एंड यहाँ से भी ऐसे आएगा, यहाँ थोड़ा सा कलर को थोड़ा सा पानी मिला के ना, जैसे यहाँ तो कलर लेके आया कलर 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 कलर, और थोड़ा सा डार्क कर दिया इधर। फिर वाटर में ब्रश धो के थोड़ा सा मर्ज करते हुए आएंगे। पापा मुझे माफ़, ठीक है। ये ऐसे करके हमने ये शेड दे दी, ठीक है। बस मिक्स सा लगे, ऐसा ना लगे कि अलग से लाइनें खींची हुई हैं, ठीक। ये भी मेरा आ गया शेड, इतना मेरा काम टन 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 कर हो गया, ठीक है। हमारा वाटर कलर का सारा काम ख़त्म, अब पेंसिल कलर का काम शुरू। के लिए मैंने जो ये लिया है स्टेडलर का ब्राउन में, इसमें 5-6 टोन्स हैं, तो मेरे को जो ये ब्राउन की लाइट ब्राउन है, एक इससे भी लाइट ब्राउन है, मैंने ये वाला कलर लिया है पेंसिल कलर के लिए, ठीक है। मैं इसकी स्किन में बहुत हल्की हल्की सी शेड दूंगी अभी इससे, जैसे कि सबसे पहले मैं फिंगर्स में दे लेती हूँ, ये अंदर का पार्ट है ना फिंगर्स का, ये थोड़ी डार्क दिखेंगी, तो इनको मैंने हल्का हल्का सा, देखो बहुत सारा नहीं, हमको गोदा गादी करनी है पेंसिल कलर से, बस हल्की हल्की, क्योंकि हमारी ऑलरेडी मॉडल बहुत बढ़िया सी लग रही है, ठीक है। बस जहाँ जहाँ पे हमको हल्का सा डार्क दिखाना है बस वहाँ वहाँ पर इसको लेके जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पर हल्का सा, यहाँ पर हल्का सा, बस जैसे हम पेंसिल से शेडिंग देते हैं ना, बहुत हल्का, ऐसे नहीं कि पूरी खींच खींच के लाइनें खींच दो दबा के, बहुत लाइट पकड़ना है इसको कलर को, ठीक है। हल्का सा यहाँ मैंने जितनी लाइट पेंसिल पकड़ते हैं उतना लाइट पकड़ रखा है इसको, मैंने कोई दबा के गड़ा के यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, गड़ा गड़ा के यूज़ मत करना, सारी पेंटिंग बेकार हो जाएगी आप लोगों के। अब जहाँ पे हमें डार्कर शेड देने हैं, जैसे कि चेहरे में, ये हमने चीक बोन बनाई थी बस हल्की सी, ठीक है, और यहाँ पर भी हल्की सी, ठीक है, कान, ठीक, एंड ये इसे सिर्फ शेड देने, बहुत हल्का चलाना है इसको, ये क्लीवेज पे, ठीक, ये बस इतना इतना सा, ये डार्कर एरिया, ये डार्कर एरिया, ठीक है, ये घुटने, ये घुटने, ठीक है। फिर यहाँ से हल्का सा, ये अंदर की साइड ज़्यादा डार्क दिखेगा, ठीक, तो अंदर की साइड हम ले ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा, सॉरी, यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर, कोई बहुत ज़्यादा गोदा गादी नहीं करनी है हमको इससे, ठीक, ठीक है जी। हल्का सा यहाँ, अगेन अपनी पेंसिल बहुत ध्यान से चलाना है, इसको दबाना तो है ही नहीं, बहुत मेरी बहुत स्मूथ पेंसिल्स हैं, बड़े आराम से चल जाती हैं। आप भी पहले रफ़ में प्रैक्टिस करना, अपनी ड्राइंग ख़राब नहीं कर लेना, ठीक है। अब ये जो आर्म्स, अंडर आर्म्स होती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ बिकनी लाइन के नीचे डार्क, थोड़ा सा यहाँ साइड में हल्का सा, बस यहाँ भी साइड में हल्का सा, इधर भी हल्का सा, हो गई, टन टन, ठीक है, स्किन हो गई। अब हम इसके बाल और बिकनी में करेंगे, के लिए मैं ये स्टेडलर की ब्लैक पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। बहुत गड़ा गड़ा के नहीं करना है इसमें, सिर्फ शेड देनी है हल्की हल्की सी, जैसे ये है यहाँ पर, तो हल्का सा ब्लैक इधर, हल्का सा ब्लैक इधर, ठीक है। अब क्या बताया था, नीचे से ऊपर, बस ऐसे शेड देनी है, अपना हाथ सधा के चलाना है, नीचे से ऊपर ही लेके जाना है, ठीक। एंड यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी नीचे से ऊपर, इधर भी ऐसे, ये पीछे के बाल हो गए, एंड यहाँ एक बार ऐसे, एक बार ऐसे साइड से, एंड
दैट्स इट, नीचे से भी ऊपर, दैट्स इट, ठीक है। हेयर भी हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम इसकी बिकनी पे आ जाएंगे। बिकनी के लिए मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ, डार्क ब्राउन कलर, ठीक है। जो शेड देनी है रेड के ऊपर, ब्राउन से शेड आता है, ठीक। तो सबसे पहले हम हल्का सा, बस कोई पूरी पूरी ऐसे लाइनें नहीं खींच रहे। अब यहाँ पर था सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर में, ठीक है, कॉर्नर कॉर्नर में बस हल्का सा हमको ये चलाना है, बस जैसे आउटलाइन करते हैं ना उस तरीके से, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब हम यहाँ आएंगे इधर, ठीक है, इसके अंडरवेयर पे साइड से हल्का सा आए, जैसे हम शेडिंग देते हैं, बस इधर से आए हल्का सा, डन। ये क्या हो गया, आए यार पापा, आ तो बहुत हो गया आपका। जब ये आपके कलर्स जो होते हैं ना, वाटर कलर अगर थोड़े गड़बड़, सॉरी पेंसिल कलर अगर कहीं ज़्यादा चल जाए, तो ब्रश को गीला करो, पोछो और बस वहाँ पे ऐसे मर्ज कर दो हल्का सा, तो वो इफ़ेक्ट जो ज़्यादा ब्राउन सा हो गया है ये सही हो जाता है, ठीक है। ऐसा है, मेरी ये ड्राइंग हो गई कंप्लीट। यहाँ पे अपना साइन करो, साइड में स्टाइल से अपना नाम लिखो, एंड डन। ये तुम्हारी